अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मलिक वकास, टेलरिंग टीचर, और आज हम एक कुवैती पीस काटने वाले हैं, मार यानी, जिसमें फ्रंट इस तरह से फोल्ड होता है और यहाँ पे एक्स्ट्रा दबाव दिया जाता है और पीछे बैक में भी प्लेट आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये आउट क्लॉथ आया है हमारे पास, यानी कस्टमर खुद कपड़ा लेकर आया है। कटिंग करने से पहले सबसे पहले आपने कपड़े की जांच पड़ताल करनी है। सबसे पहले तो ये कि ये कपड़ा कितना मौजूद है, हमारा साइज़ इसमें पूरा होता है या नहीं होता, और अगर कम है तो इसको कटिंग नहीं करना, या कपड़ा अगर डैमेज है तो इसको कटिंग नहीं करना आपने। ठीक है, छोड़ देना है और कंपनी को या कस्टमर को आपने इसकी इतला देनी है कि आपका कपड़ा ठीक नहीं है। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो कपड़ा कस्टमर लेके आया है ये 66 है डबल, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये ओके है, लेकिन हमने नीचे जो इसका बॉटम फोल्ड करना है वो 4 इंच का है, तो इसलिए हम इसको थोड़ी सी डिफरेंट तरतीब में कटिंग करेंगे। वो इस तरीके से कि कपड़े को खोल के एक फ्रंट जो है यहाँ से लूँगा, फिर कपड़े की दूसरी साइड पे चले जाएंगे और दूसरी साइड से एक फ्रंट बैक लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो वूल कपड़े होते हैं ज़्यादातर इसमें उल्टा सीधा होता है, तो सबसे पहले आपने उल्टे सीधे का निशान लगाना है। ठीक है जी, ये उल्टे सीधे का निशान लगा लिया मैंने। मैं क्या करूँगा, ये साइड मेरी राइट साइड है, ये देखो ये इस्त्री आपको नज़र आ रही है, ये मेरी राइट साइड है और वो लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड मैं राइट टू लेफ्ट कटिंग करता हूँ, इसलिए लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ को कपड़ा बिछाएंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। आपका काउंटर लंबा होना चाहिए, कम से कम 80 इंचेस लेंथ होनी चाहिए आपके काउंटर की, फिर आप कंदूरा कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एंचेस टेप होना चाहिए 80 इंचेस वाला, जो कि अरब कंट्रीज़ में इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, किसी और मुल्क से हैं तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। सबसे पहले थोड़ी सी प्रेस लगा लें, ये सेंटर वाला जो क्रीज है इसको ख़त्म कर दें, फिर इसके बाद आप स्टार्ट फोल्डिंग करने से पहले आप गौर करेंगे कि मेरा बॉटम कितना है। तो इसका बॉटम है 33। 33 का बॉटम मार कटिंग कर रहे हैं हम, यानी फोल्डिंग वाला। इसका फ्रंट और बैक दोनों फोल्डिंग वाले हैं, तो ये कटिंग कर रहे हैं हम फ्रंट और बैक की फोल्डिंग वाली, इसको मार कहा जाता है। 33 का हाफ होता है 16 हाफ, तो उससे कम से कम आपने 1.25 इंच ज़्यादा, मतलब मैं 17.25 का निशान लगाऊंगा। ये एक निशान लगाया 17.25 का, फिर 17.25 का निशान, फिर से 17.25 का निशान, ताकि मेरा कपड़ा बिल्कुल सीधा पीछे। निशान लगा देने के बाद आपने कपड़े को बिल्कुल सीधा करना है। ठीक है, और प्रेस करनी है जी। ये कन्नी को छोड़ के हमने बॉटम के साइज से 1.25 इंच ज़्यादा रख के ये निशान लगाए हैं और कपड़े को प्रेस कर लिया। फिर सबसे पहले आपने क्या करना है कि नीचे लेफ्ट साइड पे जो बॉटम आना है आपने, यहाँ इस तरीके से ये बिल्कुल सीधी बिछानी है और नीचे से कपड़ा सीधा करना है। सबसे पहले काम आप ये करेंगे, नीचे से कपड़ा सीधा करें। नीचे जो कपड़ा सीधा किया है उसको तसल्ली से देख लेना है कि आपका
रॉड जो हमने कटिंग की है वो बिल्कुल ठीक हैं, सीधे हैं या नहीं। अगर नहीं सीधे तो उसको सही करना है फिर से। अच्छा जी, बॉटम हमने यूज़ करना है नीचे 4 इंच का, तो आमतौर पे रखा जाता है 7 इंच ज़्यादा लेंथ से। जब भी हम कोई पीस काटते हैं तो 7 इंच नीचे निशान लगा के ऊपर लेंथ का निशान लगा लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो इसमें 8 इंच का पीस रखूँगा मैं। पहले एक निशान लगाया मैंने 8 इंच का, फिर इसके बाद लेंथ का निशान लगाऊंगा 59 1/4। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये चपटी अपनी और बिल्कुल सीधी, इस निशान को ऐसे सीधा खींच लें। पहले मैं फ्रंट कटिंग करूँगा, उसके बाद बैक कटिंग करूँगा, लेकिन निशान मैं बैक के हिसाब से चलूँगा। देखें जी, मेरे पास शोल्डर है 19 1/4, 19 1/4 ये आ गया पूरा पूरा, यानी 19 1/4 का निशान लगाया मैंने। उसके बाद आपने इसके अंदर 1.25 इंच प्लस कर देना है ऊपर शोल्डर के लिए। ठीक है, ये एक निशान, इस निशान को गौर करें ये कितना है। ये तकरीबन 12 इंच से 1 सूट कम आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे जाके दोबारा मैं एक निशान लगाऊंगा 12 इंच से 1 सूट कम। यहाँ से 2.5 इंच डाउन शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगा, चूँकि 1.5 2 इंच मैं एक्स्ट्रा छोड़ रहा हूँ, तो ये 1.25 का निशान मैंने लगा दिया। और इसके बाद यहाँ से मैं 2.5 इंच का निशान दोबारा लगाऊंगा, ये हाले की कटिंग होगी। ये शोल्डर वाले निशान को बिल्कुल सीधा खींच लें, फिर इस निशान को जो आगे हमने बढ़ाया था आले वाला निशान, इनको मिला दो जी। तो यहाँ लूजिंग का फर्स्ट निशान हम लगाएंगे, मेरे पास है 27 लूजिंग, 27 देखें तो ये आ गया 13.5, तो आधा इंच इसको सिलाई का मार्जिन चाहिए और 1.5 इंच जो है इसको प्लेट बनाने के लिए चाहिए। सही हो गया, तो मेरे पास 27 और 27 दोनों फिटिंग्स इसी हिसाब से हैं, तो मेरा निशान आ रहा है 15.5, तो मैं नीचे भी सेम निशान लगा दूंगा 15.5। तो ये आप सीधा कर लें, इसी निशान पे कटिंग हो गई हमारी। अच्छा जी, अब फ्रंट हम काटने लगे हैं, तो इसलिए यहाँ से आधा इंच पीछे आ जाना है आपने, और यहाँ आके आपने तकरीबन 1.25 इंच पीछे आ जाना है। रिगाल यानी आर्म होल मैंने काटना है 10.25, तो मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं 10.25 को इस शोल्डर वाले निशान पे रखूँगा और इस तरीके से आइडिया ले लूँगा कि ये कहाँ तक पूरा आएगा। ये निशान एक लगा लेता हूँ मैं, फिर इसके बाद ये दोनों निशानों को मिला के चपटी की शेप से थोड़ी लंबी लाइन खींचता हूँ, फिर यहाँ से ये आपने गुलाई बना ली। अब इसको चेक करना है, ये 9.5 आया है, मुझे रिक्वायर्ड है 10.25, तो मैं इस निशान को थोड़ा सा फिर से बढ़ाऊंगा। अब ये 10.25 पूरा है, फ्रंट की मार्किंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ से ऐसे एंच स्ट्रिप को घुमा के 10.25 पूरा करना है आपने। ये यहाँ से लेके ये कंधे का जो निशान है यहाँ से आपने देखना है, बाजू की लेंथ है मेरे पास 27 1/4, तो मैं इससे 4 इंच माइनस कर दूंगा। 27 में से 4 निकाले तो 23 आ गया। यहाँ पे इस तरीके से मैं 23 को यहाँ रखूँगा और यहाँ पॉकेट का निशान लगाऊंगा नीचे वाला, फिर इसके बाद 7 इंच का पॉकेट का निशान है, क्योंकि ये बड़ा साइज़ है, थोड़ा हेल्थी आदमी, तो इसलिए इसकी पॉकेट का साइज़ भी बड़ा होगा। और अब हम लगाएंगे लंबाई का निशान यहाँ से इस तरीके से, ये कंधे से थोड़ा सा नीचे रख के 1/2 इंच, 59 1/4। तो अब नीचे नीचे जो कपड़ा बचा है वो मेरे पास बचा है 5.5 इंच सॉरी, अब यहाँ मैं बॉटम का निशान लगाऊंगा। 33 बॉटम है मेरा, तो मैं निशान लगाऊंगा 1/2 इंच ज़्यादा 34 पे।
ये तकरीबन 10 इंच लाइन सीधी रखता हूँ मैं। फिर उसके बाद इस 10 इंच वाले और पॉकेट के ऊपर वाले टुकड़े के ये दोनों निशान आपने इस तरीके से मिला लेना। ये हमारा फ्रंट की मार्किंग पूरी हो गई है, अब हम कटिंग करते हैं। यहाँ से फ्रंट कटा हुआ है, इसकी दूसरी साइड पे, इस साइड पे ये बात गौर करने की है, इसमें गलती नहीं करनी। इस साइड से पहले कटा था फ्रंट, फिर उसकी दूसरी साइड से बैक काटूंगा मैं, ठीक है जी। तो बैक मैंने बिछा लिया, 33 बॉटम है, उसके हिसाब से मैंने 17¼ इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया। इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें जी। तो ये मैंने प्रेस कर लिया, इसके ऊपर फ्रंट बिछाएंगे। फ्रंट को नीचे की तरफ से बराबर और ये वाली साइड भी बिल्कुल बराबर, दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर होने चाहिए, आधे सूट का भी फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे बैक का निशान, इसमें फ्रंट और बैक दोनों में प्लेट्स हैं, इसको बोलते हैं मार कंदूरा, क्वेती कंदूरा। तो ये फिर से वही प्रोसीजर, यहाँ से अगर मैं सबसे पहले निशान लगाऊं 19½ का, तो 9.5 एक सूट का निशान बनता है, फिर 1/2 इंच इसका मार्जिन जो सिलाई के लिए चाहिए, फिर 1.5 इंच आगे, तो ये निशान बना तकरीबन 12 इंच से एक सूत कम। ये दो निशान लगा लिए, फिर इनको इस तरीके से सीधा कर देना आपने और नीचे से गुलाई बना देनी, ठीक है जी। फ्रंट हमने काटा था 10½, लेकिन बैक हम काटेंगे 10½। 10½ क्यों काटेंगे, क्योंकि बैक की ये वाले रॉड जो हैं वो बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल इतना हिस्सा ओरेब है, और जो फ्रंट होता है उसका ज़्यादा हिस्सा ओरेब होता है, उसमें लचक ज़्यादा आ जाती है, ठीक है जी। ये वजह होती है बैक को दो सूत बड़ा रखने की, दो सूत रखें, एक सूत रखें, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए वो। फिर ये लाइन सीधी खींच लें। अब गौर करें कि फ्रंट की कटिंग से बैक तकरीबन 1/4 इंच ऊपर जा रही है, और यहाँ से ये 1/4 इंच नीचे होना चाहिए आपका निशान, ठीक है। बाकी कटिंग सेम रहेगी, इसको बिल्कुल बराबर बिछा होना चाहिए। जी तो फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई हमारी, अब हम काटेंगे बाजू, ठीक है। इस कपड़े को सीधा कर लें, कपड़े में उल्टा सीधा मौजूद है, इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जो मैं तरीका बताने वाला हूँ वह है थोड़ा सा शॉर्टकट, लेकिन अगर इसमें गलती हो गई तो सारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब हम कटिंग करते हैं तो ये बॉटम वाली साइड का कपड़ा थोड़ा चौड़ा होता है, और जो बॉटम वाली साइड होती है वो कम चौड़ा होता है, और चेस्ट वाली साइड थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती है। तो दोनों कपड़ों की सीधी साइड ऊपर है, और यहाँ से कन्नी को बिल्कुल बराबर कर लें, यानी उस तरफ से कपड़े को बिल्कुल बराबर बिछाएं, और इसको दोनों कपड़ों को बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभी जो मैं कटिंग करने वाला हूँ उसमें दोनों साइडें जो उल्टी हैं वो नीचे हैं, और फ्रंट दोनों ऊपर हैं। ये सीधा कर लें थोड़ा, अच्छा जी। जो हमारा आर्म होल है वो है 10½, तो इस तरीके से इसको फोल्ड करें, अपने पास कर लें कपड़ा
10 है तो इसको आपने बिछाना है उससे कम से कम 1 इंच ज़्यादा, 11.25 पे। ये कपड़ा दोनों कन्या आपस में बराबर हैं और इधर से कम ज़्यादा है तो वो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, कपड़ा सीधा बिछना चाहिए आपका। 11.25 की कटिंग यहाँ से चाहिए हमें, तो ये थोड़ा सा बच रहा है तो इसलिए मैं बैलेंस करूँगा, बस इस चीज़ को नहीं देखूँगा कि ये 13.25, यहाँ 13.5 आ रहा था, इसको थोड़ा सा सेट किया। अब ये ऊपर और नीचे 13.25 है, इस तरीके से दोनों कपड़ों को प्रेस कर लें। हम काट रहे हैं बाजू, ठीक है जी। मेरी एक दो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि शोल्डर और फिटिंग का अगर ज़्यादा फर्क होगा तो आप ये ज़्यादा डाउन कर सकते हैं बाजू की शेप, और अगर ज़्यादा डाउन फिटिंग का फर्क नहीं होगा तो आपने शेप नहीं देनी। तो आज जो हम कटिंग कर रहे हैं इसमें लूजिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो आपने जो बाजू की शेप है वो भी ज़्यादा देनी है जी। बाजू की शेप भी आपने ज़्यादा देनी है, 10.25 आधा इंच मार्जिन के साथ, 11.25 लंबाई है मेरे पास, 27 आधा इंच के साथ, 28 यानी 27 3/4। उसके बाद इसने बाजू का चस्पा भी आगे 4 इंच फोल्ड करना है, तो मैं इसका कपड़ा जो है आगे 5 इंच रखूँगा। अब बाजू की ओपनिंग यानी मुंह आगे इसका है 13, आधा इंच एक सूत का निशान दूंगा मैं इस तरीके से। ये निशान दिया था हमने 11.25 का, इन दोनों निशानों को आपने चपटी की शेप से इस तरीके से मिलाना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला जाए, और इस निशान को बाहर की तरफ निकालना, ठीक है। अच्छा जी, अब गौर करने की बात यह है कि हम ये जो शेप बनाते हैं यहाँ, ये आपने नहीं बनानी क्योंकि हमने उल्टे सीधे का फर्क जो अभी निकालना है। ठीक हो गया जी, ये टुका दे दिया और यहाँ से सेंटर टुका दे दिया। अब क्या करेंगे, इस तरह से उठाएंगे और बाजू को सीधे के साथ सीधा रखेंगे, फिर ये शेप बनाएंगे। अगर आपने उधर शेप बना दी तो इसका मतलब आपका बाजू ख़राब हो गया, ठीक है। ये अंदाजे के साथ गलत निशान लगा है, इस तरीके से आपने शेप दे देंगे। अब हमारा बाजू कटिंग हो गया। जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनको ये 1/4 इंच, और जो बिल्कुल फिटिंग पहनने वाले लोग होते हैं ये वाली जो शेप निकालते हैं फ्रंट की, वो 1/4 इंच, 1 इंच, 1/4 इंच, ये 3 इसकी शेप निकालने का तरीका है, ठीक है जी। अब जो बाकी कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हमने शोल्डर काटना है, 5.5 इंच चौड़ा शोल्डर काटने वाले हैं हम, तो इसलिए अच्छा 19.25 है। जितना भी शोल्डर हो आपका उससे कम से कम आपको 3 इंच ज़्यादा कपड़ा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। चूँकि कपड़ा शॉर्ट है इसलिए बचत करने के लिए मैं अपना सिर्फ रिक्वायर्ड कपड़ा उतारूँगा, यहाँ 5.5 और यहाँ 5.5 का निशान लगाया, और इसको इस तरीके से मैं कपड़ा अलग कर लूँगा। तो ये कपड़ा अलग कर लिया, ये दो इसकी लेयर्स हैं। अब इसको डबल फोल्ड करें इस तरीके से, ऐसे प्रेस करके। वो पूरा 5.5 इंच चौड़ा है, फ्रंट के ऊपर हमने निशान लगाया था 2.5 इंच का, सेम निशान लगा दे 2.5 इंच का। अब 19.25 है तो आधे इंच के मार्जिन के साथ 20 यानी 10 इंच एक सूत एक निशान लगाया, फिर 10 इंच एक सूत का एक निशान लगाया,
यहाँ से 3.5, यहाँ से 4.25 और ये डाई, ठीक है। इस डाई और इस दो निशानों को आपस में मिला दें, फिर इन दोनों निशानों को आपस में मिला दें। यहाँ तक हम फ्रंट छोटा किया था ना हम, इसलिए शोल्डर को बाहर की तरफ काटेंगे। ओके हो गया जी, ये सेंटर टुका हो गया। थैंक यू वेरी मच।